नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ आशा झा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर मुंबई से, जहां हमेशा यात्रियों से खचाखच भरा रहने वाला सीएसटी स्टेशन पर 2 साल का बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी की इस वारदात को एक कपल ने अंजाम दिया। तस्वीरें चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जिस कपल पर आरोप लगे हैं बच्चा चोरी को लेकर, साफ देखा जा सकता है किस तरह से ये कपल बच्चे को उठाकर, पीछे एक महिला भी आप घेरे में देख सकते हैं, ये महिला जो कि बच्चे को उठाकर धीरे से वहां से निकल लेती है। पहले एक पुरुष बैग लेकर निकलता है, फिर धीरे से एक महिला बच्चे को लेकर हॉल से बाहर निकल जाती है। आपको बता दें कि ये घटना 27 तारीख सुबह 4:20 की है। लड़की का नाम वैष्णवी धवसे है, ये जो बच्ची नाम वैष्णवी धवसे है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये दोनों ही अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन ये दोनों जिन्होंने बड़े शातिर तरीके से सुबह 4:20 पर, जब सभी लोग सो रहे थे स्टेशन पर और जो जगह भी होंगे शायद उन्हें इल्म भी नहीं हो रहा होगा कि कुछ इस तरीके का घटित हो रहा है, इन दोनों ने उस बच्चे को वहां से उठाया और बच्ची लेकर फरार हो गया ये कपल। अब इसके बाद इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन बच्चा चोरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। ये सीएसटी स्टेशन की तस्वीरें हैं। भीड़ भाड़ जबरदस्त 4:20 सुबह के हो रहे थे और उस वक्त सभी स्टेशन पर सोए हुए थे। और ऐसे में पहले लड़का निकलता है बैग उठा करके, घेरे में आप देख सकते हैं, और उसके बाद तुरंत ये पीछे जो महिला है ये एक बच्ची को उठाती है, अपने गोद में लेती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो उसी की बच्ची हो, और फिर वहां से चुपके से ये दोनों निकल जाते हैं। किसी को इल्म तक नहीं होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसके बाद जब परिवार की नींद टूटती है तो बदहवास परिवार अपने बच्ची को ढूंढने लगता है, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल पाता। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद, जिसके बाद जब सीसीटीवी में देखा गया तो ये दोनों नजर आए, एक महिला और एक पुरुष, जो कि बच्ची को ले जाते हुए नजर आए हैं। अब इसी फुटेज के आधार पर इन दोनों की तलाश जारी है। बच्ची सकुशल वापस मिल पाए इसकी कोशिशें चल रही हैं। जाहिर तौर पर उन माँ बाप के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर है और डराने वाली भी, जो कि ट्रेनों में ट्रेवल के दौरान थोड़ी सी लापरवाही अगर ऐसी होती है तो फिर कैसे बच्चा उनकी आंखों से ओझल हो सकता है, इसको लेकर अक्सर डरे सहमे रहते हैं। तो चिंता की बात है लेकिन सावधानी की भी।